हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चार्वाक दर्शन की आचार मीमांसा का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का अध्ययन किया था और उसमें देखा था कि चार्वाक दर्शन एक प्रत्यक्षवादी और भौतिकवादी दार्शनिक है। अपनी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के आधार पर ही वो अपनी आचार मीमांसा स्थापित करता है और आचार मीमांसा की दृष्टि से वो एक सुखवादी दार्शनिक है। जैसा कि पाश्चात्य दर्शन में मिल बेंथम आदि सुखवादी दार्शनिक है, वैसा ही भारतीय दर्शन में चार्वाक एक सुखवादी दर्शन है। आचार मीमांसा की दृष्टि से ये सुख को चरम लक्ष्य, सुख प्राप्ति को चरम लक्ष्य स्वीकार करता है। अब प्रश्न यह है कि आचार मीमांसा है क्या? आचार मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जैसे ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा एक शाखा है। आचार मीमांसा के अंतर्गत हम आचरण की व्याख्या करते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और आचरण कौन सा आचरण शुभ है, अच्छा है, कौन सा आचरण अशुभ है या बुरा है, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, हमें कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, इसकी सबकी व्याख्या आचार मीमांसा या नीति शास्त्र के अंतर्गत की जाती है। आचार मीमांसा एक आदर्श जीवन पद्धति की खोज चाहता है। आचार मीमांसा यह तय करता है कि व्यक्ति सही आचरण करे और एक सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इसलिए वो एक आदर्श जीवन की खोज के लिए, आदर्श जीवन के स्थापना के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है जो व्यक्ति का चरम लक्ष्य है। भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरागत विचारधारा में आचार मीमांसा इसी रूप में परिभाषित होती रही और इस आचार मीमांसा में कुछ नैतिक सिद्धांतों को दिया जाता है, कुछ नैतिक सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति सदकर्म करते हुए अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उन नैतिक सिद्धांतों को देने में भारतीय दर्शन ने ऐसे बहुत सारे जो आचार संबंधी नैतिक सिद्धांत दिए जिनसे ये सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, जैसे पुरुषार्थ व्यवस्था दी, वर्ण आश्रम व्यवस्था दी जिसमें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है, कर्म नियम सिद्धांत दिया, पुनर्जन्म सिद्धांत दिया। ये सब आचार मीमांसा संबंधी नैतिक सिद्धांत हैं, नैतिक नियम हैं जो एक आदर्श जीवन पद्धति के लिए आवश्यक माना भारतीय विचारकों और मनीषियों ने इन सिद्धांतों को। इन सिद्धांतों को हम संक्षेप में देखते रहेंगे। जैसा कि भारतीय विचारक और भारतीय दार्शनिक मानते हैं और जैसा चार्वाक उनकी आलोचना करता है, उस दृष्टि से हम हर एक सिद्धांतों पर विचार करते रहेंगे। पुरुषार्थ व्यवस्था, आश्रम, वर्ण, कर्म नियम और पुनर्जन्म, इसमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ व्यवस्था। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ व्यक्ति का वह प्रयत्न है जो उसे चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, वह साधन है। तो पुरुषार्थ, भारतीय दर्शन में चार प्रकार के पुरुषार्थ स्वीकार किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो व्यक्ति के हर एक जीवन में उसके प्रयत्न को और उसके उद्देश्य को निर्धारित करता है। चार पुरुषार्थों में चार्वाक केवल और केवल दो पुरुषार्थों को स्वीकार करता है, अर्थ और काम पुरुषार्थ। वह धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करता है। अब हम देखेंगे कि धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और वो कैसे काम या सुख की स्थापना करता है, सुख को परम लक्ष्य स्वीकार करता है और अपने सुखवाद की स्थापना करता है। वो कहता है चार्वाक दर्शन कि धर्म को हम पुरुषार्थ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों स्वीकार नहीं कर सकते हैं? इसका उत्तर देते हुए वो कहता है कि भारतीय दर्शन में जो परंपरागत भारतीय विचारधारा है उसमें धर्म को क्या स्वीकार किया गया है? उसमें धर्म को कहा गया है कि जो वेद के अनुकूल कर्म हैं वो धर्म है
और जो वेद के प्रतिकूल कर्म हैं वो अधर्म हैं। तो धर्म अधर्म की व्याख्या वेदों के आधार पर वहाँ पर की गई है। चूँकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चार्वाक दर्शन वेद को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि वेद में असत्यता है। वेद में मुख्यतः तीन दोष मानते हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक है जो एक पुस्तक है, चार्वाक दर्शन की महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें जो कृष्णपति मिश्र द्वारा लिखी गई है उसमें उन्होंने वो लिखते हैं, उसमें यह संदर्भ है कि चार्वाक दर्शन वेदों में तीन दोष मानता है। पहला असत्यता है, दूसरा उसमें असंगति है और तीसरा पुनरुक्ति है, दोहराव है। अब जो असत्य है उसे हम प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं। वेदों की प्रमाणिकता चार्वाक दर्शन स्वीकार नहीं करता है। कहता है कि वेदों को भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरागत विचारधारा में वेदों को इसलिए प्रमाणिक माना गया है कि वो ईश्वर द्वारा रचित है और ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार किया गया है कि उनका उल्लेख वेदों में है। इस आधार पर इसमें पुनरुक्ति दोष आ जाती है, आर्गुमेंट ऑफ साइकिल फैलेसी हो जाती है। इस कारण वेदों की प्रमाणिकता को वो स्वीकार नहीं करता है। तो जब वेद प्रमाणिक नहीं है तो वेद अनुकूल कर्म को हम धर्म नहीं मानेंगे और वेद प्रतिकूल कर्म को अधर्म नहीं मानेंगे। वो कहता है कि धर्म और अधर्म का विचार निरर्थक है, उसकी व्याख्या वेदों के आधार पर करना अपने आप में एक भ्रांति है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जब वेद कहता है कि वेद अनुकूल कर्म करने से हमें पुण्य या सुख प्राप्त करेगा और वेद प्रतिकूल कर्म करने से हमें पाप या दुख मिलेगा, तो चार्वाक कहता है कि पहली बात तो यह है कि वेद ही अप्रमाणिक है, तो वेद अनुकूल कर्म और प्रतिकूल कर्म की बात ही नहीं उठती है, धर्म अधर्म अपने आप में ही निरर्थक हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि यदि पुण्य और पाप को स्वीकार किया जाए तो पुण्य और पाप की अवधारणा भी नहीं बन पाती है, क्योंकि जो पुण्य करेगा उसे सुख प्राप्त होगा, जो पाप करेगा उसे दुख प्राप्त होगा, ऐसा चार्वाक के विरोधी मानते हैं। चार्वाक कहता है कि पुण्य और पाप जो प्रकृति है, प्रकृति में पुण्य, प्रकृति जो है स्वयं में पुण्य और पाप से मुक्त है, पुण्य और पाप से उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पानी हो, जितनी भी तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, वे क्या करते हैं? वे पुण्य और पाप से मुक्त हैं, वो पुण्य और पाप से उदासीन हैं। क्यों उदासीन हैं? इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे चार्वाक कहता है कि सूर्य क्या है? एक प्रकृति है, प्रकृति का तत्व है। सूर्य उस व्यक्ति को भी जो वेदानुकूल कर्म करेगा उसे भी वैसा ही प्रकाश देगा जैसा वेद प्रतिकूल वाले को प्रकाश देगा। तो इसलिए सूर्य पाप, पुण्य और पाप में भेद नहीं कर रहा है। इसलिए पुण्य और पाप की अवधारणा अपने आप में भ्रांति है, इसका कोई अर्थ नहीं है। चार्वाक कहता है कि पानी में, प्रकृति में ऐसा स्वभाव है कि वो जो पापी है उसकी भी प्यास बुझाएगा और जो पुण्य आत्मा है उसकी भी प्यास बुझाएगा, अग्नि दोनों को ही जलाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पुण्य आत्मा को छोड़ दे और पापात्मा को जला दे, ऐसा संभव नहीं है। चार्वाक इस आधार पर कहता है कि पुण्य और पाप की अवधारणा इस स्वभाववादी प्रकृति में निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं रखती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर से चार्वाक कहता है कि विचारक वेद निहित
वेदों में ये है कि जो पुण्य जिसने किया उसको क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग का सुख मिलता है, और जो पाप करता है उसे नरक मिलता है। पहली बात तो यह कि वेद को प्रामाणिक नहीं मान रहा है चार्वाक। दूसरी बात यह कि पुण्य और पाप की अवधारणा को ही कोई अर्थ नहीं देता है, निरर्थक मानता है। तीसरी बात यह कि स्वर्ग और नरक जैसे किसी परलोक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है चार्वाक। वो कहता है कि जो है यही लोक है, इसीलिए उसे लोकायत दर्शन कहा गया है, क्योंकि वह इस लोक के अतिरिक्त अन्य किसी लोक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं स्वीकार करता है, ये हम लोग ज्ञान मीमांसा में देख चुके हैं चार्वाक की। उसमें वो कहता है कि जो और जो केवल दिखाई देता है, प्रत्यक्ष होता है, वही यथार्थ ज्ञान है। क्या स्वर्ग और नरक जैसे परलोक का हमें प्रत्यक्ष होता है? नहीं होता है, इसलिए इसका अस्तित्व ही नहीं स्वीकार किया जा सकता है। अस्तित्व किसका है, सत्ता किसकी है? केवल इस लोक की, जिस लोक में हम रह रहे हैं और जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसलिए स्वर्ग और नरक की अवधारणा भी अपने आप में कोई महत्व नहीं रखती है। वेद कहता है कि अगर व्यक्ति धर्मानुकूल, वेद के अनुकूल कर्म करता है और कुछ ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप करता है जिससे उसे पुण्य प्राप्त हो, तो वह स्वर्ग का भागी होता है, स्वर्ग को वास करता है, परम सुख परम आनंद मिलता है। चार्वाक कहता है कि ना तो वेद प्रमाणिक है, न पुण्य पाप जैसी अवधारणा का कोई अर्थ है, न स्वर्ग नरक जैसी कोई परलोक की सत्ता है। तो धार्मिक क्रियाकलाप जो वेद मानते हैं, जो यज्ञ बलि कर्मकांड, उनकी भी निरर्थकता, उनकी भी असंगतता असत्यता सिद्ध करता है चार्वाक दर्शन। चार्वाक कहता है कि वेद ऐसे लोगों द्वारा निर्मित है, जो ऐसे वर्ग द्वारा निर्मित है जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोगों में भय उत्पन्न करते हैं, लोगों को अंधविश्वासी बनाते हैं, अंधविश्वासी और भय उत्पन्न करके वो उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको अपनी आजीविका का साधन बना लेते हैं। इसीलिए ऐसे वर्ग के लोगों को उन्होंने भांड, विदूषक, निशाचर आदि जैसे शब्द, कटु शब्द इस्तेमाल किए, प्रयोग किए। धार्मिक क्रियाकलाप उन्हीं लोगों की एक कृत्रिम व्यवस्था थी जो ये बताती थी कि अगर व्यक्ति क्रियाकलाप, ये धार्मिक क्रियाकलाप करेगा तो उसे पुण्य और स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि ये वेद अनुकूल कर्म हैं। तो ऐसे कर्मों में मुख्य रूप से यज्ञ और कर्मकांडों को सम्मिलित किया गया। चार्वाक कहता है कि एक यज्ञ जिसे वेद में उल्लेख किया गया है, ज्योतिष्टोम यज्ञ, उसमें कहा गया है कि यदि उस यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है तो वो सीधे स्वर्ग को चला जाता है। चार्वाक कहता है कि यदि ऐसी बलि से वो सीधे स्वर्ग को चला जा रहा है इस यज्ञ के अनुष्ठान से, तो क्यों नहीं जो यजमान है, जो यज्ञ करा रहा है, वो अपने वृद्ध माता पिता को ही बलि दे दे, ताकि वो सुख का भागी बन जाए, वो सीधे स्वर्ग चले जाएं। उन्हें अगर उन्होंने बुरे कर्म भी किए हैं तो उन्हें नरक ना जाना पड़े, वो सीधे स्वर्ग चले जाएंगे केवल उस यज्ञ के अनुष्ठान से। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा यजमान करता नहीं है। इसका अर्थ है कि ये धार्मिक क्रियाकलाप क्या हैं, केवल कृत्रिम हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये केवल भ्रांति है, भ्रांत धारणा लोगों को देती है। इसके अतिरिक्त एक और धार्मिक क्रियाकलाप की चार्वाक चर्चा करता है। कहता है कि वेदों में श्राद्ध को ऐसा बताया गया है कि श्राद्ध में जो हमारे पूर्वज हैं, मृतक पूर्वज हैं, श्राद्ध में कुछ वस्तुएं देने से, भोजन देने से,
उन मृतक पूर्वजों को वो चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने जीवन में बहुत सारे हर एक परिवार में ये श्राद्ध जैसी क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप आज भी होती है, और उसमें छाता, चारपाई, भोजन आदि, कपड़े ये दिए जाते हैं, और ये मान्यता है कि ये सारी चीज़ें उस जो मृतक पूर्वज हैं उनको मिल जाती हैं। चार्वाक कहता है कि यदि वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं तो अगर कोई यात्री है जो यात्रा पर गया है, अगर हम उसे घर में ऐसी ही वस्तुओं का ऐसा अनुष्ठान करके उसके नाम से उसे प्रदान कर दें तो क्या यात्रा में गए व्यक्ति को भोजन की ज़रूरत नहीं होगी, वस्त्र की ज़रूरत नहीं होगी, या लेटने के लिए चारपाई की ज़रूरत नहीं होगी? ज़रूरत होगी, निश्चित रूप से होगी। इसका अर्थ है, चार्वाक यह सिद्ध करना चाहता है कि श्राद्ध जैसा धार्मिक क्रियाकलाप भी क्या है, केवल आजीविका का साधन बनाना है। आजीविका के साधन बनाने के लिए ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप लाए गए हैं। लोगों को डराया गया है, लोगों को एक अंधविश्वासी बना दिया गया है। दूसरे वह फिर यह कहता है कि यदि इस श्राद्ध धार्मिक क्रियाकलाप को माना जाए कि एक व्यक्ति जो इस लोक में है और ऊपर स्वर्ग लोक में बैठा व्यक्ति यहाँ पर कुछ दान करने से, कुछ भेंट करने से वो भेंट उसे मिल जाती है, तो यह भी होना चाहिए था कि एक नीचे कमरे में बैठा व्यक्ति अगर कुछ भेंट करे उस व्यक्ति के नाम का श्राद्ध के अवसर पर, तो ऊपर बैठे व्यक्ति को जो फर्स्ट फ्लोर पर है उसे वो वस्तु मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिलती है। इसका अर्थ है कि जो धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं श्राद्ध में, और जो धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं ज्योतिष्टोम यज्ञ में, उनसे ऐसे किसी जो अप्रत्यक्ष है ऐसी कोई चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं जिसका दावा वेद कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि धर्म जैसा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। धर्म और अधर्म की अवधारणा अपने आप में ही निरर्थक है। पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, सारी चीज़ें निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है जीवन में। अब आते हैं हम पुरुषार्थ के दूसरे स्तर पर, मोक्ष पर। मोक्ष भारतीय दर्शन में परम पुरुषार्थ माना गया है। भारतीय विचारधारा में मोक्ष को इन सभी पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इन्हें साधन माना गया और इसे साध्य माना गया है। ये परम पुरुषार्थ, इसीलिए मोक्ष को क्या कहा गया है, परम पुरुषार्थ के रूप में वर्णित उल्लेख किया गया है। मोक्ष भारतीय विचारधारा में मोक्ष क्या है ये समझ लेते हैं। मोक्ष का अर्थ है मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना? दुखों से मुक्त हो जाना। क्या हम इस जीवन में अगर दुखों से मुक्त हो गए तो भारतीय विचारधारा तो ये मानती है कि फिर जन्म होगा, फिर आप दुख भोगेंगे। तो मोक्ष का जो सही अर्थ है, दुख से मुक्ति होने का जो सही अर्थ है, वो दुख से पूर्ण मुक्ति है। दुख से पूर्ण मुक्ति का अर्थ ये हो गया कि जन्म पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त पा जाना। अन्यथा इस जीवन में अगर दुख से मुक्त हैं तो अगले जीवन में दुख होगा। इसलिए मोक्ष का अर्थ हुआ कि जो दुख से पूर्ण मुक्त हो और इस जीवन मरण चक्र से भी मुक्त हो जाए, उसे ही मुक्त या मोक्ष की अवस्था कहा जाता है। भारतीय दर्शन में, परंपरागत भारतीय विचारधारा में दो प्रकार के मोक्ष को स्वीकार किया गया है, एक सदेह मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। सदेह मुक्ति का अर्थ है जब शरीर रहते हुए किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाए तो वो सदेह मुक्ति है। जैसे महात्मा बुद्ध ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया, 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या शुरू करी और 36 वर्ष की अवस्था में उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, और 72-73 अवस्था की वर्ष की अवस्था तक वो
उनकी मृत्यु हो गई। इसका अर्थ हुआ कि 36 वर्ष की अवस्था में जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो कौन सी मुक्ति है? सदेह मुक्ति। और 72 वर्ष की अवस्था में मुक्त होते हुए, मोक्ष प्राप्ति निर्वाण होते हुए जब उनकी मृत्यु हुई, उनके शरीर का नाश हुआ, तो उसे विदेह मुक्ति कहा जाता है। चार्वाक दर्शन मोक्ष को भी पुरुषार्थ स्वीकार नहीं करता है। मोक्ष को पुरुषार्थ क्यों स्वीकार नहीं करता है, इसे हम देखते हैं। वो कहता है कि पहली बात, ये जीवन है और इस जीवन में सुख दुख हमेशा मिश्रित रहते हैं। हमें इस संपूर्ण जीवन में न कभी सुख मिल सकता है और न कभी केवल और केवल दुख मिल सकता है। ये दोनों अवस्थाएं हमेशा मिश्रित अवस्था में रहती हैं। हमें सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख मिलता ही रहता है, और ये तब तक मिलेगा जब तक हमारी शरीर रहेगी। और मोक्ष की अवधारणा को स्थापित करने वाले भारतीय परंपरागत विचारक, वैदिक विचारक, ये मान रहे हैं कि जब मोक्ष प्राप्त होता है, सदेह या विदेह, तो पूर्ण दुख मुक्ति हो जाती है। चार्वाक ऐसा नहीं कहता। चार्वाक कहता है पूर्ण दुख मुक्ति जब तक जीवन है संभव नहीं है। इसके अलावा वह कहता है कि सदेह मुक्ति जैसी कोई अवधारणा संभव नहीं, क्योंकि जब तक देह है, जब तक शरीर है, तब तक दुख और सुख उसके साथ संयुक्त हैं। ऐसा संभव नहीं है कि मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे केवल और केवल सुख हो, दुख से वो निवृत्त हो जाए। इसलिए सदेह मुक्ति की अवधारणा का वो खंडन कर देते हैं। वो कहते हैं कि विदेह मुक्ति जैसी भी कोई चीज़ नहीं, कोई तथ्य नहीं, क्योंकि ना तो आत्मा अमर है और ना ही उसका पुनर्जन्म होता है। जब आत्मा अमर नहीं है तो जैसे शरीर मृत्यु होती है, शरीर मरती है, वैसे ही सारे सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु ही क्या है? दुखों की समाप्ति है मृत्यु। इसीलिए चार्वाक दर्शन कहता है कि मरणेव अपवर्गः, मृत्यु ही मोक्ष है, मोक्ष और कुछ नहीं। क्योंकि दुख का अगर संपूर्ण नाश होना है तो वो शरीर के नाश के साथ ही हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कि मृत्यु ही मोक्ष है। इस प्रकार वो सदेह और विदेह मुक्ति की अवधारणा को भी स्वीकार नहीं करता, मोक्ष का खंडन कर देता है। कहता है मोक्ष क्या है? मोक्ष भावी सुख की कल्पना है, भावी आनंद की कल्पना है, जो हमें इस जीवन के बाद मिलनी है। इस जीवन के बाद क्या है हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। हमें प्रत्यक्ष केवल और केवल अपने इस वर्तमान जीवन का होता है, और वर्तमान जीवन के आधार पर ही हम जो वर्तमान में है, जिसे हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसे ही हम स्वीकार कर सकते हैं, अन्य चीज़ को नहीं। इसलिए सदेह और विदेह मुक्ति की अवधारणा का भी खंडन कर देता है और मोक्ष को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार नहीं करता है। अब आते हैं पुरुषार्थ में। तीसरा पुरुषार्थ, अर्थ को स्वीकार किया गया है। अर्थ क्या है? अर्थ हम जानते हैं, एक शब्द जिसका अर्थ होता है, इस अर्थ का अर्थ होता है धन संपदा। भारतीय परंपरागत दर्शन में, भारतीय परंपरागत विचारधारा में अर्थ को भी महत्व दिया गया, इसीलिए अर्थ को पुरुषार्थ के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। हम जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था में
पूरे जीवन को चार भागों में बांट करके देखा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। भारतीय दर्शन कहता है कि अर्थ की भी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है अर्थ की? क्योंकि गृहस्थ जीवन में हमारी आजीविका का साधन क्या होगा? अभी भी हम देखते हैं कि हमारी आजीविका का साधन क्या बनता है, धन संपदा बनती है, अर्थ बनता है। हमारे पास पैसा होता है, हम अन्न खरीदते हैं, खाना पीना खाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, हम किराया देते हैं, तो जो हमारी आजीविका का, हमें घर बनाना है, हम घर बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? धन संपदा, वस्तुएं चाहिए। तो उस गृहस्थ आश्रम में इस अर्थ की आवश्यकता पड़ती है और इस अर्थ के लिए भारतीय दर्शन कहता है कि इस अर्थ की प्राप्ति हमें केवल आजीविका के साधन के रूप में करनी चाहिए। हमें अनावश्यक संग्रह, सुख के लिए संग्रह नहीं करना चाहिए। यहीं पर भेद होता है उसका चार्वाक दर्शन से। चार्वाक दर्शन अर्थ को एक पुरुषार्थ स्वीकार करता है और भारतीय दर्शन का परंपरागत संप्रदाय अर्थ को एक पुरुषार्थ स्वीकार करता है। तो दोनों में भेद कहाँ है? दोनों ही अर्थ को स्वीकार करते हैं लेकिन दोनों में भेद है। एक विचारधारा जो परंपरागत भारतीय विचारधारा है उसमें यह माना जाता है कि जो हम अर्थ प्राप्त कर रहे हैं इस गृहस्थ जीवन में वो उतना ही हो जितना हमारे लिए उपयोगी हो, जितना हमारे आजीविका के चलाने के लिए जरूरी हो। इसका मतलब है कि अर्थ का संग्रह धर्म के अनुकूल होना चाहिए। इस पर उन्होंने अर्थ की प्राप्ति के लिए धार्मिक नियंत्रण लगा दिया। बौद्ध दर्शन में भी उनके अष्टांग मार्ग में सम्यक आजीव शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें यह है कि आजीविका प्राप्त करने के लिए राइट अप्रोच हो, सम्यक अप्रोच हो, सही तरीके से आजीविका का साधन, आजीविका प्राप्त की जाए। इसीलिए जबकि चार्वाक दर्शन कहता है कि ये अर्थ जो है इसलिए पुरुषार्थ है क्योंकि ये सुख प्राप्ति का साधन बनता है, हम सुख प्राप्ति का इसे साधन बनाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सुख का साधन उसे बना सकते हैं। कहीं मूवी देखने चले गए, थिएटर देखने चले गए, संगीत सुनने चले गए, है ना? तो बहुत सारे अर्थ क्या है, यहाँ सुख का साधन है और ये सुख का साधन होने के कारण उन्होंने इसे अर्थ को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया। लेकिन ये परम पुरुषार्थ नहीं है, ये केवल काम या सुख को प्राप्त करने का साधन भर है। एक और एकमात्र पुरुषार्थ जो है परम पुरुषार्थ वो काम ही है, अर्थ नहीं है। अर्थ तो उसका साधन है। अब हम देखते हैं इसका अर्थ हुआ, अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में ये स्वीकार कर रहे हैं लेकिन उस पुरुषार्थ के रूप में जो केवल साधन है, साध्य नहीं। अब चौथे पुरुषार्थ पर आते हैं, काम पुरुषार्थ पर। काम पुरुषार्थ को भारतीय विचारधारा में, परंपरागत विचारधारा में एक पुरुषार्थ स्वीकार किया गया है। चार पुरुषार्थों में एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ काम भी है। काम का अर्थ क्या होता है? जो हमारी कामना है, जो इच्छा है, जब हम उसको पूरा कर लेते हैं तो वही क्या है, काम है। जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, सुख मिलता है। अगर कोई कामना है हमें, जैसे उदाहरण लें, आपकी कामना है कि आप एक आईएएस अधिकारी बने और इस कामना की तृप्ति हो जाती है तो आपको क्या मिलता है, सुख मिलता है। वो जो वैभव है उसका, वो जो संपत्ति है वो क्या प्रदान करती है, वो जो सम्मान है वो आपको सुख प्रदान करती है। इसका अर्थ हो गया कि काम क्या है, सुख है। अब
चार्वाक दर्शन काम को ही एकमात्र पुरुषार्थ स्वीकार करते हैं, कहते हैं काम एवैकः पुरुषार्थः, काम ही एक पुरुषार्थ है। लेकिन अभी मैंने बताया कि अर्थ को भी उन्होंने स्वीकार किया, तो ध्यान देने की बात है कि अर्थ को केवल वो काम के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, एक और एक परम पुरुषार्थ काम ही है, सुख ही। क्यों सुख को ही एक पुरुषार्थ स्वीकार करते हैं, अन्य धर्म मोक्ष को स्वीकार नहीं करते? इसका कारण हमने देख लिया, काम को एक पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ स्वीकार करने का चार्वाक दर्शन का क्या कारण है? उसका कारण ये कहते हैं कि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वभाववाद के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था, प्रकृति स्वभावतः जुड़ती बिखरती है, उसी तरह मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे और सुख भोग करे। उस मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले सुख दुख उसे होता है और वो अपनी कामना की पूर्ति करना चाहता है, माँ के उस दूध का पान करना चाहता है जिससे उसको शारीरिक और मानसिक संतुष्टि मिले। उस सुख के कारण इसका अर्थ हो गया कि उस बच्चे में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सुख प्राप्त करने की भावना जन्म से ही है। उसी नैसर्गिक मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण कि सुख की प्राप्ति करनी है, उसी के कारण काम को इन्होंने परम पुरुषार्थ और एक पुरुषार्थ स्वीकार किया है। सुख कैसा होना चाहिए? सुख बहुत प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कुछ परंपरागत भारतीय विचारक भी मानते हैं कि मोक्ष अवस्था में, मोक्ष अवस्था एक भावात्मक अवस्था है जिसमें परम आनंद की प्राप्त होती है। अब इस आनंद में और इस सुख में क्या अंतर है, क्या भेद है? यहां भी तो व्यक्ति आनंद और सुख की प्राप्ति कर रहा है, तो इनके सुख में और इस मोक्ष के आनंद में, आत्मिक आनंद में क्या भेद है, क्या भेद है कोई? हाँ, भेद है, चार्वाक मानता है। चार्वाक कहता है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो सुख प्राप्त करने की है वो आत्मिक सुख प्राप्त करने की नहीं है, वो उस आनंद की प्राप्ति के लिए स्वभावतः कार्य नहीं करता। वो स्वभावतः कार्य किस लिए करता है? अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। आँखों से अच्छी चीज़ देखना, कानों से अच्छी चीज़ सुनना, रस जीवा से अच्छा रस का स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श का सुख लेना, नाक से अच्छे स्मेल को लेना, ये सब क्या हैं? ये सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति है इस सुख को प्राप्त करना, इस इच्छा की पूर्ति करना। इसलिए जहाँ मोक्ष में आत्मिक आनंद था, आत्मिक सुख था, वही चार्वाक किस सुख को महत्व दे रहा है? शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख को महत्व दे रहा है। इसका सुख शरीर और इंद्र से परे नहीं है, क्योंकि कोई आत्मा जैसी चीज नहीं, कोई आत्मा की अमरता नहीं, कोई मोक्ष जैसा शब्द नहीं, कोई मोक्ष की अवधारणा नहीं। इसलिए जब आत्मा ही नहीं, अमरता ही नहीं, मोक्ष ही नहीं, तो वो परम आनंद, आत्मिक आनंद क्या है? भ्रांति धारणा है, निरर्थक चीज़ है, उसके अस्तित्व को हम नहीं मान सकते हैं। तो सुख कैसा होना चाहिए? शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख को महत्व देता है, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति इसी सुख को प्राप्त करने की है और इसी सुख को वो प्राप्त करता रहता है। इसलिए इसको सुखवादी, भौतिक सुखवादी भी कहा जाता है, क्योंकि भौतिक का अर्थ है शरीर और इंद्रियां, और सुख का अर्थ है शरीर और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो एक
भावना आती है, तृप्त करने के बाद जो एक भावना आती है उसी को क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। इसीलिए ये शारीरिक और ऐन्द्रिक सुखवादी दार्शनिक कहलाते हैं, भौतिक सुखवादी कहलाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हमने शरीर की और इंद्रियों की सुख प्राप्त कर ली, कुछ चीज़ें मिल गई। अब यह संभव है कि कुछ इंद्रियां हमें अधिक सुख दे रही हों और कुछ इंद्रियां कम सुख दे रही। तो चार्वाक दर्शन यह कहता है कि हमें एक समय में उस सुख को स्वीकार करना चाहिए जिसकी मात्रा अधिक हो, जो तीव्र हो, तीक्ष्ण हो, उसी सुख को हमें प्राथमिकता देनी है। इसीलिए ये शारीरिक और ऐन्द्रिक सुखवादी होने के साथ साथ परिमाणवादी भी है, परिमाण सुखवादी भी है, केवल क्वांटिटेटिव सुख को स्वीकार करता है, सुख में क्वालिटी का विभाजन नहीं करता है कि कोई आत्मिक सुख है, कोई शारीरिक सुख है, एक उच्च कोटि का सुख है, एक निम्न कोटि का सुख है। सुखों में ये भेद नहीं है, सुखों में भेद कैसा है, केवल मात्रा का। अगर हमें ज़्यादा मात्रा में कहीं से सुख प्राप्त हो रहा है शरीर और इंद्रिय को, तो हमें उसको प्राथमिकता देनी है, बशर्ते कि कम मात्रा वाले सुख को। लेकिन दोनों ही सुखों में गुण रूप से, क्वालिटी के रूप में कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। इसीलिए ये परिमाण सुखवादी भी कहलाता है। अब देखें, शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख को महत्व देने के कारण और उसकी मात्रा को अधिक महत्व देने के कारण इसका जो सुखवाद है वो ऐसा सुखवाद बन जाता है जो केवल वैयक्तिक होता है। हमें ऐन्द्रिक और शारीरिक सुख जो मिल रहा है ये हमारे लिए व्यक्तिगत है। तो अगर मेरे सुख में किसी को दुख पहुंचता है, मेरे ऐन्द्रिक और शारीरिक सुख से किसी अन्य को दुख पहुंचता है, तो उसे चार्वाक को इससे मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका केवल और केवल वैयक्तिक और स्वार्थ मूलक सुख है, अपने सुख पर ध्यान देना है। अपना सुख ही क्या है, काम है, वही पुरुषार्थ है, वही लक्ष्य है। तो इसलिए इसका सुखवाद शारीरिक और ऐन्द्रिक सुखवाद के साथ स्वार्थ मूलक सुखवाद भी बन जाता है। स्वार्थ मूलक सुखवाद एक अन्य आधार पर भी होता है, क्योंकि व्यक्ति नैसर्गिक रूप से, जन्म से, प्राकृतिक रूप में क्या है, स्वार्थी है, अपने सुख को ही महत्व देता है। अपने शरीर और इंद्रिय सुख को महत्व देने के कारण ही ये क्या कहलाता है, स्वार्थ मूलक सुखवादी। अब इन सुखों के चर्चा की, शारीरिक स्वार्थ मूलक और परिमाण मूलक। इसके बाद आता है ये वर्तमान सुख पे। ये कहता है कि वर्तमान सुख को हम महत्व दें, भविष्य सुख की अपेक्षा। मोक्ष क्या करता है, मोक्ष क्या आश्वासन देता है, मोक्ष यही आश्वासन देता है कि अभी त्याग करें, अभी तपस्या करें, आगे क्या प्राप्त होगा, परम आनंद प्राप्त होगा, स्वर्गिक सुख प्राप्त होगा। ये कहता है, चार्वाक कहता है कि जो है ये वर्तमान है, भविष्य निश्चित नहीं है। भविष्य में हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये निश्चित नहीं है। जो अभी मिल रहा है हम उसे अभी भोग लें, अभी स्वीकार कर लें। इसीलिए वो कहता है वर्मध्य कपोतः नासो मयूरः। वो कहता है कि भविष्य में मयूर मिलेगा, इस कारण से अभी हाथ में आए कबूतर को नहीं कोई छोड़ देता है। भविष्य सुख की आशा में वर्तमान सुख का त्याग नहीं किया जाता है।
इसीलिए वो भविष्य सुख की अपेक्षा वर्तमान सुख को अधिक महत्व देता है। इसके अलावा चार्वाक दर्शन इह लौकिक सुख को स्वीकार करता है। ये हम लोग देख चुके हैं कि वह स्वर्ग नरक, स्वर्ग के सुख को, मोक्ष के बाद के सुख को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा सुख वो नहीं मानता जो हमें किसी दूसरे लोक में मिलेगा। जो कुछ सुख है इसी लोक में है, इसी वर्तमान जीवन में है। जीवन समाप्त तो सुख दुख समाप्त। इसीलिए कहता है मरणेव अपवर्गः, मृत्यु ही क्या है, मोक्ष है। और जब तक जिए इस जीवन में तब तक सुख से जिए। वो कथन करता है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जिए, यदि उसके लिए आपको ऋण भी लेना पड़े घी पीने के लिए, सुखी रहने के लिए, तो वो भी करें। क्यों ऐसा करें? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। एक बार ये शरीर, भूत से बनी शरीर भस्म हो गई तो पुनः नहीं आने वाली है। इसलिए इस संपूर्ण जीवन का आनंद लें, इस संपूर्ण जीवन के सुख को भोगें। अन्य भारतीय दार्शनिक जो परंपरागत विचारक हैं वो कहते थे, वेद कहता था, उपनिषद कहता था कि हम इस शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख की क्यों उपेक्षा करें, क्योंकि इस सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, दुख मिश्रित है। चार्वाक कहता है कि हम इस आधार पर सुख की उपेक्षा नहीं कर सकते कि वो दुख के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, वो जीवन भर सुख और दुख आपस में जुड़े रहेंगे, मिश्रित रहेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति इस आधार पर अन्न का त्याग नहीं कर देता है कि उसमें उसका छिलका साथ में लगा हुआ है। कोई व्यक्ति इसलिए खाना पकाना नहीं बंद कर देता कि कोई भिक्षा मांग लेगा उस वस्तु की। कोई व्यक्ति, कोई कृषक इसलिए खेती नहीं बंद कर देता कि जानवरों का भय है, जानवर उसके उत्पाद को खा जाएंगे। इसलिए चार्वाक कहता है कि सुख के साथ दुख मिश्रित है, लेकिन दुख की उपेक्षा करके हम सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें। और यही जीवन है, इसी को हम आगे बढ़ाते अपनी मृत्यु तक हम सुख की कामना को, उसकी तृप्ति को पूर्ति करते रहें। यही जीवन का चरम लक्ष्य है, सुख प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसके अलावा और कोई मनुष्य का लक्ष्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, ना तो धर्म ना तो मोक्ष। अर्थ भी स्वयं में एक साधन है, अर्थ प्राप्त करना कोई लक्ष्य या ध्येय नहीं है। इसको हम इसलिए प्राप्त करते हैं कि हमें अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो जाए। इस आधार पर चार्वाक दर्शन की आचार मीमांसा एक सुखवादी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। वो अपने को एक सुखवाद के रूप में स्थापित करता है। चार्वाक दर्शन के विषय में ये माना जाता है कि चार्वाक दर्शन की जो विचारधारा है ये आगे चल करके दो भागों में बटी। एक विचारधारा ऐसी थी जो नैतिक सुखवादी थी, एक विचारधारा ऐसी थी जो निकृष्ट सुखवादी थी। नैतिक सुखवादी में वात्स्यायन आदि चार्वाकी विचारक आते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि हम अपने सुख का ध्यान दूसरों के सुख का ध्यान रखते हुए करें। हमारा लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही है, अधिकतम सुख प्राप्त करना है, लेकिन उस सुख की किसी अन्य के सुख की कीमत पर नहीं। लेकिन निकृष्ट सुखवादी क्या मानता है? निकृष्ट सुखवादी मानता है कि केवल और केवल अपना सुख, केवल और केवल वर्तमान सुख,
केवल और केवल शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख, इन्हीं सुखों की मान्यता को वो स्वीकार करता है और इस आधार पर ये निकृष्ट सुखवादी और नैतिक सुखवादियों का भेद होता है। चार्वाक दर्शन के इस पुरुषार्थ को हमने समझ लिया कि वो धर्म और मोक्ष को नहीं स्वीकार करता, अर्थ और काम को स्वीकार करता है और काम को ही एकमात्र पुरुषार्थ स्वीकार करता है, अर्थ को उसका साधन मानता है। इन आधारों पर आदर्श जीवन स्थापित करने के लिए जो अन्य नियम परंपरागत भारतीय विचारकों ने बनाए, उनका भी खंडन अपने आप स्वतः हो जाता है इस विचारधारा के आधार पर। संक्षेप में देख लेते हैं, आश्रम व्यवस्था क्या है। आश्रम व्यवस्था है जीवन को, हमारे संपूर्ण जीवन को इन विचारकों ने चार भागों में बांट दिया, ताकि व्यक्ति अपने आदर्श जीवन के अनुरूप कर्म करते हुए अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जैसे आश्रम व्यवस्था को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में बांटा गया। जीवन में जितना काल है उनको चार कालों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य काल जो है वो शिक्षा का काल था, शिक्षा ग्रहण का काल था। चार्वाक दर्शन कहता है इसमें हम जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो स्वाभाविक दिशा है, जो बाहर की तरफ है, जो सुख प्राप्त करना चाहती है, उसको संयमित रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने इंद्रियों पर संयम रख करके हम शिक्षा की प्राप्ति करते हैं, ऐसा भारतीय परंपरागत विचारक स्वीकार करते हैं। चार्वाक कहता है कि जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के प्रतिकूल कुछ नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति में स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो इंद्रियों के द्वारा सुख का भोग करे, तो उसका उसे सुख भोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो संयम है, संयम का कोई अर्थ नहीं है। संयम भविष्य के सुख की गारंटी देता है। वो कहता है कि अभी आप संयम करेंगे तो भविष्य में आपको मोक्ष रूपी परम आनंद प्राप्त होगा। ये कहता है चार्वाक कि मोक्ष आदि संकल्पना तो निरर्थक हैं, मोक्ष जैसी कोई चीज़ होती नहीं, तो हम क्यों भविष्य के उस अज्ञात आनंद के लिए जो अभी का सुख है उसका त्याग करें। उसका त्याग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका भी खंडन चार्वाक दर्शन अपने इस मत से करने का प्रयास करता है। दूसरी अवस्था गृहस्थ आश्रम की आती है। गृहस्थ आश्रम में भी भारतीय दर्शन के परंपरागत जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि वहाँ भी हम अर्थ को इतना ही प्राप्त करें जितने में धर्म के अनुकूल अर्थ को प्राप्त करें, जितने में हमारी आजीविका का साधन चल जाए, और काम का सेवन इतना करें जितने में हमारी संतति बढ़ जाए, पीढ़ी आगे बढ़ जाए। केवल संतान उत्पन्न करने तक हम अपनी इंद्रिय भोग, कर्मेंद्रियों को सुख दें, कर्मेंद्रियों का उपयोग करें, अन्यथा उसके बाद सुख के उपभोग के लिए हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग ना करें। चार्वाक दर्शन इसका भी खंडन करता है, इसका भी विरोध करता है। कहता है जो व्यक्ति की, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके अनुरूप उसे सुख भोगना चाहिए। अधिक से अधिकतम सुख को प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए, यही व्यक्ति का चरम लक्ष्य है। फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में वो कहता है कि वानप्रस्थ और संन्यास जो है वो क्या है, त्याग की भावना है, और इसमें केवल और केवल पलायनवाद है। दुख से भागने का केवल चेष्टा व्यक्ति करता है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। जब हम तपस्या करते हैं, कठोर व्रत करते हैं, ये स्वयं को दुख देना है और यह मानवीय प्रकृति के विपरीत है, इसलिए इन व्यवस्थाओं को भी वो स्वीकार नहीं करता है।
वर्ण व्यवस्था क्या कहती है? वर्ण व्यवस्था कहती है वर्णों के अनुरूप कर्म करने को प्रेरित करती है। जैसे यहाँ पर था वेद अनुकूल कर्म, वैसे यहाँ पर क्या है, वर्ण अनुकूल कर्म होने चाहिए, वर्ण अनुकूल कर्म, और यह वेद का ही एक भाग है। उत्तर वैदिक पीरियड में वर्ण अनुकूल कर्मों की, ऋग्वैदिक में भी वर्ण अनुकूल कर्मों को महत्व दिया गया है कि क्षत्रिय को रक्षा, ब्राह्मण को शिक्षा, वैश्य को व्यवसाय और शूद्र को सेवा। उस आधार पर ये कहता है, चार्वाक कहता है कि चूंकि वेद में निहित कोई भी बात प्रामाणिक नहीं है, वेद असत्यता से भरा पड़ा है, असंगति है, पुनरुक्तियां हैं, इसलिए वेद को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते और वेद में लिखित कोई भी बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए इस व्यवस्था को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो एक आदर्श जीवन स्थापित करने के लिए परंपरागत विचारकों द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी। इसके अलावा कर्म नियम सिद्धांत का भी खंडन कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि कोई अच्छे और बुरे कर्म नहीं होते हैं, कोई अच्छे और बुरे कर्म, शुभ और अशुभ कर्मों में हम भेद नहीं कर सकते हैं, जो शुभ हमें पुण्य दें और जो अशुभ हमें दुख दें, केवल और केवल जो कर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सुख और दुख प्रदान करने वाले, हमें सुख प्रदान करने वाले कर्मों को ही अधिक प्रभावी, अधिक बल देना चाहिए। इसलिए वो कर्म नियम जैसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसका कहना है कि प्रकृति सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है, पाप पुण्य से निरपेक्ष है, उपेक्षित है, क्योंकि अगर भूकंप आता है तो अच्छे लोगों को भी परेशानी होती है और बुरे लोगों को भी, अच्छे कर्म करने वाले भी उससे परेशान होंगे, बुरे कर्म करने वाले भी। उसी तरह किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक तबाही में अच्छे कर्म करने वालों की भी मृत्यु होती है, बुरे कर्म करने वालों को भी। इसलिए प्रकृति सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, वो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है, इसलिए कर्म नियम सिद्धांत अपने आप में खंडित हो जाता है। इसके अलावा पुनर्जन्म सिद्धांत को भी वो स्वीकार नहीं करता है और कहता है कि जब आत्मा ही अमर नहीं है तो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का कोई अर्थ नहीं है, जो जीवन है यही जीवन है, क्योंकि यही जीवन हमें प्रत्यक्षित होता है और जो प्रत्यक्षित होता है वही यथार्थ है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। इसीलिए ज्ञान मीमांसा में हमने देखा था कि वो अनुमान शब्द आदि प्रमाण का खंडन करता है। इस आधार पर चार्वाक दर्शन अपनी आचार मीमांसा स्थापित करके यह बताता है कि केवल और केवल सुख ही अभीष्ट है, सुख ही लक्ष्य है, और वो सुख शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख होगा, हमारा स्वयं का स्वार्थ मूलक सुख होगा, परिमाण में जितना अधिक होगा, अधिक होना चाहिए, इन इहलौकिक सुख को महत्व देगा। ये सब सुखवाद की स्थापना अपनी आचार मीमांसा के माध्यम से वो सुखवाद की स्थापना कर देता है। इसके इस आचार मीमांसा के विरुद्ध, सुखवाद के विरुद्ध भारतीय दर्शन में काफ़ी आलोचना हुई, बहुत दार्शनिकों ने इसकी आलोचना की। आलोचकों ने कहा कि इनका ये सिद्धांत नितांत सुखवादी और भौतिकवादी है, इसमें सुख के गुणात्मक भेद को स्वीकार न करके बड़ी भूल की गई, क्योंकि हम देखते हैं कि शारीरिक सुख और मानसिक सुख और आध्यात्मिक सुख कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ भिन्नता है और उस भिन्नता को न स्वीकार करना इनकी भूल है, ऐसा आलोचक मानते हैं। आलोचक कहते हैं कि इनके सुखवाद से वैयक्तिकता और स्वार्थ मूलकता बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति केवल अपने सुख का ध्यान रखेगा, केवल अपने सुख के लिए चिंतित होगा, अपने सुख की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा, भले दूसरों के लिए उसमें दुख प्राप्त मिल जाए, दूसरों को दुख मिल जाए,
लेकिन वह स्वयं अपने सुख को, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर कहा जाए कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने में, धन प्राप्त करने में सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक सामान्य जनता जो भ्रष्टाचार से दुखी हो रही है उसको तो दुख हो रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि ये केवल और केवल स्वयं के सुख को महत्व दे करके स्वार्थ मूलक और वैयक्तिकवादी हो जाते हैं। और इससे यह भी है कि यह एक सुखवाद एक वैयक्तिक अवधारणा, सब्जेक्टिव अवधारणा बन जाती है। जो मेरे लिए सुख है वही सही है। हो सकता है मेरा सुख दूसरों के लिए गलत हो, लेकिन वो दूसरों के लिए अशुभ हो जाएगा, दूसरों के लिए गलत हो जाएगा, इसलिए वैयक्तिक अवधारणा बन जाएगी। और इनके सुखवाद से कोई भी ऐसी नैतिक मापदंड, नैतिक व्यवस्था समाज में नहीं बन सकती है जिसका अनुपालन किया जा सके। नैतिक व्यवस्था के अभाव में समाज अव्यवस्थित रहेगा, समाज में एक प्रक्रिया नहीं रहेगी, उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता आ जाएगी। इसलिए चार्वाक दर्शन की जो आचार मीमांसा है उसका आलोचक खंडन करते हैं और कहते हैं, कुछ आलोचक कहते हैं कि ये तो केवल ऐसा सुख है जो पशुओं को सुख होता है। ये तो सुखवाद, चार्वाक का सुखवाद केवल पशु के सुख के समान है, मनुष्य को पशु तुल्य बना दे रहा है। मनुष्य एक वैचारिक प्राणी है, आध्यात्मिक प्राणी है, उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दे रहा है। इन आधारों पर आलोचक इनकी आलोचना करते हैं। इन आलोचनाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन आलोचनाओं में कुछ प्रभाविकता है, ये आलोचनाएं प्रभावी हैं। और इन आलोचनाओं के प्रभावी होने के कारण ये कहा जा सकता है कि चार्वाक दर्शन अपने आचार मीमांसा की स्थापना में उतना प्रभाव नहीं छोड़ता है। लेकिन भारतीय दर्शन में ये विचारधारा भी उतनी ही पुरानी है जितना हमारा दर्शन शास्त्र पुराना है, जितना दर्शन पुराना है उतनी ही ये विचारधारा पुरानी है। और ये विचारधारा जो उपजी, जन्मी, वो किस कारण जन्मी? कर्मकांड, यज्ञवाद के विरुद्ध जन्मी। उस यज्ञवाद और कर्मकांड जो धार्मिक क्रियाकलाप थे उनके विरुद्ध, जो अप्रत्यक्ष थे, जिन्हें अतार्किक थे, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था, उनके विरुद्ध जन्मी ये अवधारणा थोड़ा सा अपने को इतना आगे खींच ले जाती है कि ये स्वयं में थोड़ी अनैतिकता पैदा कर देती है। जहाँ एक ओर ये पशु बलि की निंदा करते हैं अपने इस उदाहरण में, यज्ञ के उदाहरण में पशु बलि की निंदा करते हैं, वहीं ये अपने वैयक्तिक सुख को अधिक महत्व दे करके उस ओर ही चले जाते हैं, उस दिशा में ही आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि चार्वाक दर्शन एक सिद्धांत के रूप में प्रभावी दर्शन नहीं है, लेकिन ये अपनी विधि के रूप में एक बहुत प्रभावी दर्शन है। क्योंकि जो उसने विधि और युक्ति, जो आलोचनात्मक विधि अपनाई और जो युक्तियाँ दी, वो अपने समय से बहुत आगे थी। क्यों अपने समय से बहुत आगे थी? क्योंकि ऐसी ही युक्तियाँ, ऐसे ही तर्क आज समकालीन पाश्चात्य दर्शन में तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रस्तुत करता है, तार्किक अनुभववाद प्रस्तुत करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी विधि और युक्तियों को प्रस्तुत करने के तरीके में ये समय से बहुत आगे थे, लेकिन उसके बावजूद ये विरोध के कारण, किसी विचारधारा के विरोध के कारण, अपने सिद्धांत को उसके बिल्कुल प्रतिपक्ष में खड़ा करने के कारण थोड़े से अतार्किक हो गए, थोड़े से अयुक्तिपूर्ण हो गए। चार्वाक दर्शन का यही आचार मीमांसा है, सुखवाद, जिससे संपूर्ण समझ आपको विकसित हो गई होगी कि इसका क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, किन किन मुद्दों पर, किन किन जगहों पर यह समर्थन करता है, किन किन जगहों पर यह विरोध करता है। आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि कोई इस लेक्चर में
कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हुई हो, कहीं पे शंका और डाउट बना हुआ हो, तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर या तो एक अलग से वीडियो या तो कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद।